ये परिवार 5 बार चुनाव हारा था, उसके बाद मैं जीता हूँ, मैं पूरी तैयारी में हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैंने बता दिया, मेरी मीटिंग हुई थी, और मैं जितना मैं जो लोगों से जुड़ा हूँ कोई भी नहीं जुड़ा हुआ। मुझे इस बार हाल हालत में इलेक्शन लड़ना है, उसके बाद तो हरिद्वार चला जाऊंगा। देखो वो तो टाइम बताएगा, भूपेंद्र सिंह से हमारा कोई टकराव नहीं है। बाकी यह है कि अगर मुझे इग्नोर किया गया, क्योंकि मैं ये परिवार 5 बार चुनाव हारा था, उसके बाद मैं जीता हूँ, तो मेरा हक बनता है। मुझे असेंबली नहीं लड़ाएंगे, लोकसभा नहीं लड़ाएंगे, तो मुझे मैं तो इलेक्शन लड़ना है इस बार। ये यही मैं कहने के आपको है कि मैं पूरी तैयारी में हूँ और लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में गाँव में जाता हूँ, और मैं जितना मैं जो लोगों से जुड़ा हूँ कोई भी नहीं जुड़ा हुआ, और इस बार चुनाव मैंने हर हालत में लड़ना है। क्या ये बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से साझा की हैं आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैंने बता दिया, मेरी मीटिंग हुई थी एक, मैंने बता दिया उसको कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आप लड़वाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्या भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार? देखो वो तो टाइम बताएगा, आज मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं, लेकिन टाइम बताएगा, लेकिन मैंने चुनाव जरूर लड़ना है। ये हमारे लोगों ने कहा है कि हम सिर दर की बाजी लगाएंगे और इस बार निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना है। मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात हुई थी, मैंने उनको कहा था जब तक आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। मैंने कहा किरण चौधरी को भी साथ लेके चलो, शैलजा जी को भी साथ लेके चलो, और रणदीप सुरजेवाला को भी साथ लेके चलो, मैंने कहा था उनको। अब आज से आपने अपनी युद्ध की शुरुआत कर दी, मैंने कलोई से कर दिया है, और कलोई में मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि कलोई का असली लीडर कौन है। मैंने अपनी ताकत दिखानी है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ। आदमी नहीं, चुनाव तो मैं लड़ूंगा इस बार। मतलब कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़वाया था, चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ना है, ये मेरा पक्का फैसला है। प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है ना? कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है मेरा। जिंदगी का मैं 74 साल का हो गया हूँ, मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हूँ, तो मुझे इस बार हाल हालत में इलेक्शन लड़ना है, उसके बाद तो हरिद्वार चला जाऊँगा। कांग्रेस में भी रिपोर्ट है, बहुत फूट है, बिल्कुल मानता हूँ। मैंने खुद, मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आज से 15 दिन पहले मीटिंग हुई थी, और मैंने उस पर कहा कि मैं क्या, जब तक आप सबको साथ नहीं लेके चलोगे सरकार नहीं आएगी कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार जब आएगी, जब सारे लोग एक गाड़ी में बैठ के जाएंगे। अच्छा ये तो बात होगी, इस फूट का जिम्मेवार कौन है? सारे जिम्मेदार हैं, सारे अपने अपने अलग चल रहे हैं, और ये चलेंगे तो ये अगर ये इकट्ठे हो जाते और टिकटें सही बढ़ जाती तो 2019 में सरकार बन जाती है हमारी। हमारी सरकार 2019 में बहुत नज़दीक थी, क्योंकि रणजीत सिंह हमारा जीत सकता था, निर्मल सिंह हमारा जीत सकता था, संपत सिंह हमारा जीत सकता था, ये सारे जीतने वाले थे, लेकिन गलत डिस्ट्रीब्यूशन टिकट हुई, उसकी वजह से सारा मामला ख़राब हुआ। और मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप मेरी मीटिंग में आना, हमारी भीड़ देखना, लोगों का जोश देखना। अगर आप मेरी मीटिंग में पहले आ जाते ना, तो आपको पता लगता भी लोगों में कितना जोश है। और 36 बरादरी, ये नहीं कि मैंने एक वर्ग, मेरे पास हर वर्ग के थे, और सबके मैंने नाम से सबने सुझाव दिया, और सबने जोश से कहा कि जी हम पूरी दमखम के साथ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिस गांव में जब प्रोग्राम करूंगा, पहले मैं घर घर जाऊंगा, सबको लोगों को न्योता देने जाऊंगा, सबको प्रार्थना करने जाऊंगा।